गुड मॉर्निंग। आप लोग सोचेंगे क्यों मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। शायद आप ये शाम को सुना होगा, शायद ये आप रात को नहीं तो दोपहर को सुना होगा। ऐसा है तो भी सुबह बोलने जैसे मैं क्यों गुड मॉर्निंग बोलता हूँ करके आप सोचेंगे। याद रखिए 99% टूल बॉक्स टॉक सुबह होता है। क्यों? काम सुबह शुरू होता है तो उसके पहले टूल बॉक्स टॉक होना चाहिए। इसके लिए ये टूल बॉक्स भी सुबह करके सोच के आपको वो याद दिलाने के लिए मैं गुड मॉर्निंग बोला। और हल्का रात को भी होता है क्योंकि कई जगह पर नाइट शिफ्ट है, कई जगह पर 8 घंटा के बाद शिफ्ट चेंज होता है। मतलब 2 बजे नहीं तो 3 बजे चेंज होता है और रात को 10 बजे नहीं तो 11 बजे चेंज होता है। उसी समय गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकेगा, लेकिन 99% समय हमारे को गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा क्योंकि काम शुरू करने के पहले है और काम बहुत काम सुबह शुरू होता है, रात को शुरू होना कम है। ओके, इसके लिए गुड मॉर्निंग। और एक बार भी ये आज मेरा टूल बॉक्स टॉक का 13वां भाग है, 13th एपिसोड है। गया बार 12वां एपिसोड जब मैं किया उसी समय हम एक आलस्य आदमी के बारे में हल्का है तो भी याद रखे। आलस्य होकर काम करना प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उससे बिना गलत खतरनाक हो जाएगा। उसको हुआ खतरनाक आप सब लोगों को मालूम है, ऐसे किसी को भी न होने दो। आलसी न हो, आलसी न होने के लिए क्या क्या करना चाहिए करके मैं हल्का है तो भी गया बार बोला था, फिर भी मैं बोलूँगा। आज का एपिसोड में नहीं बोलता है तो भी आने वाला एपिसोड में, आने वाला 3-4 एपिसोड के अंदर मैं वो तो बोलूँगा। आज बहुत एपिसोड में मैं नहीं बोला हुआ एक सब्जेक्ट के बारे में हल्का शुरू करने के लिए मैं चाहता हूँ। उसी सब्जेक्ट को कन्फाइंड स्पेस बोलता है, CONFINED कन्फाइंड स्पेस। क्या है कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस में सेफ्टी वालों को नहीं तो सेफ्टी को क्या मतलब है, क्या काम है? बहुत काम है। सबसे पहले याद रखो क्या है कन्फाइंड स्पेस। आपका घर के अंदर का एक कमरा चारों बाजू बंद हुआ है, लेकिन वो एक कन्फाइंड स्पेस है क्या? नहीं। क्यों? उसको आने जाने के लिए अच्छा रास्ता है, अच्छा दरवाजा है, हवा आने जाने के लिए खिड़की है। उसके ऊपर हवा आने जाने के लिए वेंटिलेटर है, शायद एसी होगा। ऐसा है तो भी उसको हवा बाहर जाने के लिए कुछ भी लगा होगा, एक राउंड वाला हॉल बनाया होगा। ये कमरा हर काम के लिए उपयोग कर सकता है, सोने के लिए उपयोग कर सकता है, पढ़ने के लिए उपयोग कर सकता है, बच्चा लोगों को खेलने के लिए उपयोग कर सकता है, खाना खाने के लिए उपयोग कर सकता है, ऐसे सब कुछ कर सकता है, हल्का काम भी कर सकता है,
घर में क्या क्या काम करता है वो उसी काम पूरा कर सकता है। रसोई घर में क्या काम करता है वो सब कर सकता है। घर में स्टिचिंग करने वाला है, टेलर का काम करने वाला है, वो काम कर सकता है, ऐसा वाला काम कर सकता है। लंबा वाला, चौड़ाई वाला काम करने के लिए कमरा बड़ा नहीं है, इसके लिए उसका अंदर नहीं कर सकता है। ऐसा है तो भी एक वर्कशॉप का अंदर सकता है, क्योंकि वर्कशॉप थोड़ा बड़ा है, लंबा है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इसके लिए उसका अंदर काम कर सकता है। उसका अंदर भी आने जाने के लिए बहुत बड़ा दरवाजा है। मटेरियल अंदर आने अंदर लाने के लिए, बाहर लेके जाने के लिए बहुत बड़ा दरवाजा है, अच्छा खिड़की है, बड़ा खिड़की है, अच्छा हवा आते, अच्छा हवा बाहर जाते, वेंटिलेटर है, सब कुछ है। फैन होंगे, शायद एक्सहॉस्ट फैन होंगे, सब कुछ होगी। वो भी चारों बाजू दीवार से बनाए हुआ एक वर्कशॉप है, तो भी वो छोटा होने दो, बड़ा होने दो, वो भी एक कन्फाइंड स्पेस नहीं है। फिर क्या है कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस बोलेगा तो वो तो हम लोग काम करने के लिए हमेशा नहीं उपयोग करेंगे। अभी देखिए, आपको समझने वाला एक जगह मैं बताऊंगा। ट्रेलर का पीछे कंटेनर लेके जाता है, कंटेनर में भी अलग अलग कंटेनर है, रेक्टेंगुलर शेप वाला कंटेनर है, राउंड शेप वाला कंटेनर है, एलिप्टिकल शेप वाला कंटेनर है, और कॉम्पैक्टेनर वैसे वाला एक चीज भी है, कंटेनर के जैसे है, और टैंक टेनर भी है। टैंक टेनर बोलोगे तो क्या है? कंटेनर बोलने से अच्छा मुझको लगता है कि टैंक टेनर के बारे में आपको याद दिलाना है। शायद मेरा यह टूल बॉक्स टॉक सुनने वालों से कई आत्मीय लोग, नहीं तो व्रत लोग, इंजीनियरिंग लोग, इंजीनियरिंग फील्ड से न संबंधी वाला होगा। इंजीनियरिंग फील्ड से न संबंधी वाला है तो आप, मैं जो कन्फाइंड स्पेस के बारे में बात करता है वो कन्फाइंड स्पेस नहीं देखे होंगे। ऐसा है तो भी एक टैंक टेनर देखे होंगे, ट्रेलर का पीछे रखे हुए टैंक टेनर, मतलब एक टैंक लेके जाता है। टैंक का अंदर जाने के लिए एक छोटा राउंड है, उसके अंदर से अंदर घुस जाना पड़ेगा। ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल है, बाद में उसका राउंड वाला मैन होल ओपन करना पड़ेगा। वो खोलने के बाद शायद नीचे जाने के लिए सीढ़ी होंगे, शायद नहीं होगा। सीढ़ी नहीं होगा है तो बाहर से ऊपर उठाया हुआ एक सीढ़ी मुश्किल से अंदर रख के नीचे बहुत मुश्किल से उतर के काम जो करना है वो करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से करता है, क्योंकि एक वर्कशॉप का जैसे, एक घर का जैसे काम करने के लिए उसके अंदर नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल से अंदर घुस जाना पड़ेगा। ऐसा हो तो भी काम करने के लिए मुश्किल है, पहले उसके अंदर डाला हुआ ऑयल होगा, नहीं तो पेट्रोल जैसे जलने वाला कुछ भी होगा, नहीं तो कुछ गैस होगा। ये सब हमको जो दुख बनाता है वो दुख को सह के काम करना पड़ता है। काम करता है तो भी गड़ी थक जाता है, शायद एक घंटा में, नहीं तो आधा घंटा में, नहीं तो दो घंटा नहीं, उसके पहले बाहर आना चाहिए, गड़ी बाहर भी आना पड़ेगा। बहुत गर्मी इसके अंदर लगेगा, बहुत प्रश्न है, खतरनाक खोने के लिए बहुत संभावना है। सादा घर के अंदर खाना जैसे, घर के अंदर सोना जैसे
नहीं तो एक वर्कशॉप के अंदर काम करना, जैसे जो जगह में हम कोई नहीं कर सकता है वो जगह कन्फाइंड स्पेस होता है, शायद वैसे वाले चीज का अंदर भी काम करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा। मैं अभी टैंक के बारे में बोला, टैंक के बारे में बोलने समय मैं पेट्रोल जैसे जलने वाला चीज के बारे में बोला, शायद उसके अंदर होगा करके बोला, नहीं तो उसके अंदर पहले डाला हुआ ऑयल के बारे में बोला, उससे भी खतरनाक होने के लिए संभावना है। पेट्रोल के जैसे आग जलने वाली चीज से खतरनाक होने के लिए संभावना है। दूसरा गैस कुछ भी उसके अंदर लेके गया हुआ है तो उसका वजन से भी होगा, नहीं तो एक वायु उसके अंदर हमेशा बार अंदर एकदम अच्छा से वायु नहीं आएगा, बाहर नहीं जाएगा तो उसका वजन से भी उसके अंदर खराब वाला एक गैस फॉर्म हो, गैस बन जाने के लिए संभावना है। इसके लिए कन्फाइंड स्पेस में काम करना समय एकदम सुरक्षा से काम करने के, जो जो पहले करने गए वो तो सब करने के बाद काम शुरू करने के। मैं टैंक टेनर के बारे में बोला, आप लोग सोचेंगे कन्फाइंड स्पेस बोलोगे तो एक टैंक का उतना लंबा चौड़ाई वाला है। मैं एक बार काम किया हुआ एक कन्फाइंड स्पेस बहुत लंबा वाला है, वो तो टैंक जैसे ऊपर चढ़ के नीचे उतरने का जरूरत वाला नहीं है, एक ऑफशोर में एक मॉड्यूल का अंदर जमीन के जैसे जाने वाला एक प्लेट से जाना समय हल्का ऊपर, शायद 1 मीटर ऊपर उसका मैन होल है, उससे अंदर जाना पड़ेगा। पहले अंदर जाएगा तो एक बहुत बड़ा कमरा है, उसके चारों साइड बंद है, चारों साइड खिड़की वाला कुछ भी नहीं है, वेंटिलेटर कुछ भी नहीं है, दरवाजा है क्या वो भी नहीं है, फिर क्या है? कभी भी उसके अंदर जाने के लिए जरूरत पड़ेगा उसी समय जाने के लिए एक मैन होल लगा के रखा है, एक राउंड वाला मैन होल, मतलब एक आदमी का चौड़ाई कितना है वो चौड़ाई इसी मैन होल में दोनों साइड छूएगा वो आदमी अंदर जाना समय, वैसे वाला चीज से बहुत बड़ा दरवाजा बना के रखेगा तो उसके अंदर गैस है तो नहीं तो उसके अंदर लिक्विड है तो उसको लीक होगा, उतना बड़ा दरवाजे का दरवाजा बनाने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आत्म लोग उसके अंदर जाके काम नहीं करते हर दिन, आत्म लोग उसके अंदर जाके खाना नहीं खाते, अंदर जाके सोता नहीं है, दूसरा कमरे उपयोग करना जैसे दूसरा ऑफिस उपयोग करना से जैसे उपयोग करने वाला एक जगह नहीं है कन्फाइंड स्पेस। अभी मैं बोला वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर मैं काम किया हुआ कम कन्फाइंड स्पेस के अंदर मैन होल से अंदर जाएगा तो एक बड़ा कमरा है करके बोला, तो उधर से गतम नहीं होते, वो कमरा हल्का उससे चलेगा तो एक दूसरा मैन होल है, उससे दूसरा कमरा में पहुंचता है, वो कमरा से जाता है तो दूसरे एक मैन होल के जैसे है, उधर से नीचे उतरना पड़ेगा, नीचे उतरेगा तो नीचे भी कन्फाइंड स्पेस है। आप सोचिए इसके अंदर पूरा अंधेरा है, एक लाइट भी नहीं होंगे, लाइट डालने की जरूरत नहीं है, जंगल में कोई भी स्ट्रीट लाइट डालता है क्या? नहीं, क्योंकि आत्म लोग उधर नहीं रहता, उधर नेशनल हाईवे नहीं है, छोटा एक रास्ता भी नहीं है, फिर क्या है? सांप को रेंगने के लिए
जानवर को जीने के लिए जगह है, वो कैसे भी जिएंगे, पेड़ के अंदर से घुस जा के जिएंगे। पेड़ के ऊपर जीने वाला जानवर है, पेड़ के नीचे रहने वाला जानवर है। उधर लाइट लगाने का जरूरत नहीं है, जब दिन सुबह हो जाएगा, सूरज उगते ही रहेगा, वो लोग उसका काम शुरू हो जाएगा, शुरू करेगा। जब सूरज पश्चिम बाजू निकलता है, उसी समय उसका काम बोले तो खाना लेने वाला काना काम सबसे बड़ा काम है। वो काम खत्म करके सोना शुरू करेंगे। उधर लाइट नहीं, उसका उधर लाइट का जरूरत नहीं है, तो वैसा है एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर भी उधर लाइट नहीं लगेगा, लाइट का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैन होल बंद करेगा तो उसके अंदर कोई भी नहीं जाता, हर दिन नहीं जाता, हर हफ्ता में नहीं जाता, हर महीना में नहीं जाता, शायद कुछ ना कुछ रिपेयरिंग होएगा तो एक साल के अंदर एक बार गया होगा। इसके लिए कन्फाइंड स्पेस में काम करना समय एकदम संभाल के काम करना है, नहीं तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। पहले मैं पेट्रोल जैसे लिक्विड के बारे में बोला, उसके अंदर आएगा होगा करके बोला, गैस कुछ भी होगा करके बोला, ऑयल कुछ भी होगा करके बोला, अभी आपको मैं बोला अंधेरा है करके बोला, और क्या बोला, एक कमरा पार्क करके फिर भी अंधेरा में जाना पड़ेगा, वो कमरा भी पार्क के नीचे उतरना पड़ेगा, उधर से भी जितना दूर गया है उतना दूर फिर भी वापस आने के लिए दूसरे एक रास्ता है। ये हर जगह में कमरा है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग पाइपलाइन उसके अंदर से जाता है, मतलब जीने वाला कोई भी उसके अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, पाइप का जैसे वाल्व का जैसे चीज है, अभी उसका अंदर एक रिपेयरिंग करना पड़ेगा, तो आपका अंदर जाना पड़ेगा, तो क्या करेगा, एकदम सीधा आप जाएंगे, आपको बिल्कुल मैं बोला हुआ कोई भी खतरनाक से एक खतरनाक की वजह से आपको कुछ भी गड़बड़ हो जाए। मैं खाली चार पांच खतरनाक के बारे में बोला, फिर भी मैं बोलूंगा क्या क्या है खतरनाक उससे होने वाला, वो बाद में बोलूंगा। कम से कम ये चार पांच में कुछ भी लगेगा तो शायद आपको आप मर जाने के लिए भी संभावना है। इसके लिए कन्फाइंड स्पेस में काम करना समय सबसे पहले उसका अंदर जाने के लिए आपको परमिशन होना चाहिए, PTW परमिट टू वर्क सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। ऐसे जिसने परमिट टू वर्क PTW साइन करके दिया है, सब देख के आपको अनुवाद दिया है उसके अंदर जाने के लिए, ऐसे अनुवाद दिया है तो भी जल्दी नहीं घुस जाना चाहिए। जो जो इंसान लोग कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाता है, वो कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग पास होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के लिए एक दिन का एक ट्रेनिंग है, उसके बारे में आपको वे सिखाएंगे, सेफ्टी ऑफिसर्स आपको सिखाएंगे, और आपको परीक्षा भी बनाएंगे, परीक्षा पास होना चाहिए, तब आपको एक सर्टिफिकेट देगा, आपको उसी सर्टिफिकेट है तो उसको अंदर जाना चाहिए। अंदर जाना है तो भी ये तो सब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, PTW होना चाहिए, वर्क परमिट आपको मिलना चाहिए। ऐसा हो तो भी अंदर जाने के पहले आप क्या करना चाहिए, आपका टीम में चार पांच नहीं तो 10-12 आदमी लोग है करके सोचिए, सब लोग इकट्ठा होकर बिल्कुल नहीं अंदर जाना मना है।
आप लोगों से एक आदमी होल वैचर उसे काम करने के लिए बार बैठना चाहिए। क्या है होल वाचर का काम, उसको भी अलग एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी अलग ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। होल वाचर क्या करना चाहिए, जो जो इंसान लोग अंदर जाता है उसका नाम लिखना चाहिए, टाइम लिखना चाहिए। वापस वो आदमी कभी बाहर आएगा उसी समय उसका नाम फिर भी लिखना चाहिए, उसको टिक मारना चाहिए, और जिस टाइम वो बाहर आता है उसी समय भी उसमें लिखना चाहिए। सो आप सोचेंगे छोटा काम है, कभी भी छोटा काम नहीं है, बिल्कुल जमींदारी काम है, उसका जमींदारी छोटा नहीं है। दोपहर को खाने के निकल खाना खाने के लिए जाना समय जितना आत्म लोग अंदर गया था सब लोग बाहर आया करके उसको उसका लिस्ट में होना चाहिए, टिक मार्क होना चाहिए। सबसे लास्ट आदमी जब आएगा तब तक वो आदमी उधर रुकना पड़ेगा। इसके लिए बराबर समय पे आप लोगों को दोपहर को खाना खाने के लिए जाना है, तो बहुत आत्म लोग भी है तो वो आत्म लोगों का नंबर का जैसे, नहीं तो कॉन्फ्रेंस स्पेस का लंबा का जैसे आत्म लोगों को हल्का जल्दी बुलाओ, बाहर लाओ, क्योंकि सब लोग बाहर आना चाहिए, उसके बाद होल वाचर को जा सकता है, तब तक होल वाचर नहीं जाना चाहिए। बहुत लंबा वाला है तो हल्का समय पहले बुलाना पड़ेगा। बहुत आत्म लोग हुए तो भी थोड़ा टाइम पहले बुलाना पड़ेगा। लेकिन कन्फाइंड स्पेस छोटा है तो अंदर काम करने वाला खाली दो ही है तो ज्यादा समय पहले बुलाने का जरूरत नहीं है। मैं प्रोडक्शन के बारे में भी सोचने से मैं इसे बोला, जब सबसे लास्ट आदमी बाहर आता है तब तक वो आदमी रुकना पड़ेगा। अंदर का आदमी लोगों से ये आदमी कैसे कम्युनिकेशन हो जाएगा, अंदर बहुत दूर है तो मैं पहले बोला जैसे एक कमरा, वो कमरा पार करके दूसरा कमरा, वो कमरा से नीचे से जाने के लिए दूसरा रास्ता, वो रास्ता से दहीने बाजू नहीं तो दूसरे एक बाजू जाने के लिए दूसरा एक रास्ता, और रास्ता से फिर भी वापस आने के लिए रास्ता नहीं तो कमरा, ऐसे वाला जगह है तो आपका साथ जिसने होल वाचर का काम करता है उसका साथ रेडियो होना अच्छा है, बात करने के लिए आपका साथ रेडियो होना चाहिए। अंदर जो टीम गया है वो सब टीम एक ही जगह में है तो नज़दीक वाला जगह के हम तो वो टीम में एक आदमी के पास भी रेडियो होना चाहिए, रेडियो से भाषण कर सकता है, रेडियो से कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन उतना दूर नहीं है, उधर से एक विसिल मारेगा तो उसका आवाज सुनेंगे तो एक सीडी ले लो, उससे आवाज बनाओ, विसिल से आवाज बनाओ, तब अंदर काम करने वाले को कम्युनिकेशन हो जाएगा। एकदम बराबर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, रेडियो से जितना कम्युनिकेशन करेगा उतना तो नहीं कर सकेगा, तो भी हल्का कर सकेगा। बाकी ज़्यादा बोलना है तो मैन होल का उधर तक आना पड़ेगा, और इसका पास भी होल वाचर का पास भी कम्युनिकेशन के लिए एक विसिल होना चाहिए। और ज़्यादा दूर नहीं है तो नज़र से देख सकता है तो वर्बल एक्सप्रेशन मतलब हाथ से मुंह से दिखा के
खल्क समझा सकता है, वो पूरे नहीं हो जाएगा। भाषण करने के लिए दूर है तो कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे नहीं है तो रेडियो होना चाहिए, नहीं तो विसिल होना चाहिए। हम लोग अंदर जाने के पहले क्या करना चाहिए, मैं पहले बोला हुआ कन्फाइंड स्पेस के बारे में बोलेगा तो इतना लंबा है करके आपको मालूम हो गया, लेकिन उसका कन्फाइंड स्पेस का मैन होल एकदम छोटा है करके भी बोला। आपको काम एक घंटा से कम समय के अंदर पूरा हो जाएगा तो, नहीं तो कई घंटा के अंदर पूरा हो जाएगा तो, नहीं तो एक दिन के अंदर पूरा हो जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं है। वो मैन होल से घुस के काम करके उस दिन आ सकता है। लेकिन आपका काम दो दिन से नहीं होगा, तीन दिन से नहीं होगा, एक हफ्ता से भी नहीं होगा, उतना बड़ा काम है तो ये छोटा मैन होल से आना जाना बहुत मुश्किल है। और आत्मी लोग भी ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ गतरनक अंदर हो जाएगा तो एक ही समय इतने छोटा मैन होल से सबको बाहर आने के लिए मुश्किल होगे। तब क्या करना चाहिए, आपका काम बहुत दिन रुकना पड़ेगा और आत्म लोग भी ज़्यादा है, वैसा है तो ये छोटा मैन होल से अंदर जाना वापस आना कभी भी सही नहीं है। सबसे पहले अंदर घुस जाने के पहले ये मैन होल बढ़ाना पड़ेगा। एक आदमी को न मुश्किल से अंदर जाना जैसे मैन होल बढ़ाना पड़ेगा। बाद में एक हफ्ते के बाद नहीं तो दो हफ्ते के बाद जब आपका काम गतक हो जाता है उसी समय एकदम बराबर बिल्डिंग करके फिर भी लगाना पड़ेगा। उसके लिए अलाउड होना चाहिए, सेफ्टी लोगों का अलाउड होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन जिसने किया उसका अलाउड होना चाहिए, जिसका जो जो इंसान लोगों का जो जो इंजीनियर लोगों का जो जो इंसान इंजीनियर लोग उसको अलाउड करने के उसका सिग्नेचर मिलने के बाद वो काटना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा खतरनाक होने के लिए संभावना है। मैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में बोल के गतम हुआ नहीं है, उसका बाकी आने वाले एपिसोड में 14 एपिसोड में मैं बोलूँगा। आज के लिए मैं आज गतम करता हूँ। आज आपका काम अच्छा होने दो, सुरक्षा से भरा हुआ एक दिन आपको मिलने दो, सुरक्षा से भरा हुआ एक काम आप करेगा तो आपको प्रोडक्शन भी बड़ा हो जाएंगे, उसी में एक्यूरेसी होंगे, फिनिशिंग होंगे, स्पीड होंगे। इसके लिए सुरक्षा से भरा हुआ एक दिन आप सब लोगों को मैं दे रहा हूँ। हैव ए सेफ डे।